हेलो दोस्तों, टिप्स फॉर हेल्दी लव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों की क्या इश्यू होती है कि उनको सब सच्चाई पता है, उनको सब अच्छे से पता है कि सामने वाला इंसान मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उसके मन में क्या फीलिंग है, बट वो खुद से एक्सेप्ट नहीं करते हुए दूसरे लोगों से सलाह लेते रहते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो भाई, आप जो है आराम से बैठ के सोचिए जरा कि जिस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर आप दूसरों से मांग रहे हैं, क्या आपको खुद को उसका आंसर नहीं पता है? आपको अच्छे से उसका आंसर पता है, जस्ट एक प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आप डर रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। हमारे साथ डेली रूटीन में ऐसा हो रहा है कि जो पार्टनर है वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं 2 सेकंड के लिए कि हाँ वो मुझे प्यार नहीं करता, 2 दिन के लिए सोच लेते हैं, 3 दिन के लिए, चौथे पांचवे दिन जैसे उसने आके थोड़े से प्यार से हमसे बात करी तो उसकी तरफ से हम खुद ही आंसर करने लग जाते हैं कि नहीं यार, उसकी ये दिक्कत हो गई होगी इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया होगा। तो भाई, मेरी एक बात आप ध्यान से सुनो, जब भी आप किसी दूसरे इंसान को जज करो तो हमेशा खुद को उसकी जगह पर रख कर जरूर देखना। इससे क्या होगा, आप कंपेयर करिए कि अगर आप उसके जगह पर होते तो क्या आप ऐसे बिहेव करते। आप उसके जगह पर खुद को रख के देखो कि क्या आप उसके साथ ऐसे बिहेव करते हो, तो आपको खुद ही सारे आंसर मिल जाएंगे। जब आप ऐसा नहीं करते उसके साथ, तो आप क्यों ना एक्सपेक्ट करो कि वो इंसान भी सेम आपके साथ बिहेव करे। बट जब आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप उस इंसान के लिए करे जा रहे हैं, तो इसका मतलब बताओ, अब आपको खुद को पता है ना इसका क्या मतलब है, अब आपको दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है। जस्ट आपको एक ज़रूरत है एक रियलिटी चेक की, जिस इसके लिए मेरे जैसे लोग होते हैं आपको बताने के लिए। बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए, बैठ के आराम से खुद से क्वेश्चन करने चाहिए। आपको एक एक क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएंगे कि सामने वाला इंसान हमें सच में प्यार करता है या नहीं करता। ऐसे ऐसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मेरा बर्थडे था, उसने मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे रुलाया, मुझे विश तक नहीं किया, बट मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि वो मुझे प्यार करता है नहीं करता। अरे भाई, आपको और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जो इंसान आपके स्पेशल डे को स्पेशल तो बहुत दूर नॉर्मल ही नहीं बना पाया, वो आपको प्यार करता होगा। बर्थडे एक इंसान की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है, बट उस डे को भी अगर कोई याद नहीं रख रहा है, या उस दिन को भी आपको रुलाया जा रहा है, या जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है और आपको पता है वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो इससे बड़ा हिंट और क्या होगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू क्या कहना चाह रही हूँ और आप लोगों को क्या करना है। गुड लक।